अच्छा, मेरी आज एनर्जी डाउन है, उसकी रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभार इंसान की एनर्जी डाउन हो जाती है कुछ ऐसे हालात देखकर। आज सुबह क्योंकि मेरी फिल्म जो चक्कर जो ईद पर आने वाली है उसकी एक्टिविटी थी और दुआएं लेने के लिए मैं बिनते फातिमा गई कि बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए, तो मेरी अम्मी तो है नहीं, यासिर की अम्मी भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात, दूसरों की अम्मियाँ भी हमारी अम्मी हैं। तो मैं बिनते फातिमा चली गई। जब मैं वहाँ गई मुझे नहीं पता था कि मैं दुआएं तो लेने गई हूँ लेकिन मैं अपने ज़ख्म भी ताज़ा करने गई हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने अलग अलग कहानियाँ सुनी, अलग अलग बातें सुनी। किसी ने कहा कि मेरे भाई भाभी मुझे बस दो दिन का कह के गए थे छोड़ने का और आज दो साल हो गए मुझे लेने नहीं आए। किसी ने कहा कि मेरा बेटा लाहौर चला गया ना, तो मैंने कहा तो वो आपको क्यों नहीं लेकर गया, उसकी शादी हो गई ना तो वो वहाँ है। अलग अलग कहानियाँ जब मैंने सुनी तो मैंने कहा मेरे खुदा, मैं और यासिर तो तड़प रहे अपनी माँ के लिए कि वो नहीं है हमारे बीच और हमारा घर बेरौनक हो गया है, लेकिन ये क्या है, ये क्या हो रहा है कि बुज़ुर्ग ख़वातीन और थोड़ी सी यंग भी थी जिनको उनके अपने घर वाले उधर तन्हा करके चले गए। भले उनके पास उनके जैसी और बहुत सारी ख़वातीन है जिसकी वजह से उनकी दुसराहट हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनों की बात और होती है। आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, आप किसी भी दलदल में फंसे होते हैं, अगर आपके साथ अपनों का होता है ना, अगर आपके साथ सिर्फ उनकी दुआएं होती हैं या एक मोराल अप करने वाली चीज़ होती है, सो आप कभी नहीं डूब सकते उस दलदल में। सो मैंने कहा यार कितने बदनसीब हैं वो लोग जो अपने प्यारों को इस तरह बेसहारा बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और फिर मुझे एकदम डर हुआ ना, मैंने यासिर से कहा यार क्या हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे तो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो यासिर ने कहा निदा मकाफाते अमल होता है, हमने अपनी माओ की बहुत खिदमत की है, आखिरी दम तक उनके साथ रहे हैं और हमने उनकी दुआएँ वसूल की हैं, सो ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। तो मैंने यही सोचा कि ये रिश्ते कितने मजबूत कर देते हैं आपको, और जब आप तन्हा होते हैं अकेले होते हैं, चाहे आप कितने भी पावरफुल हों, आप कितने भी अमीर हों, आपके पास कितनी भी जायदादें हों, लेकिन आपका वो खालीपन जो आपके अपने प्यारों से दूर होता है वो कोई दुनिया की ताकत वो खालीपन नहीं ख़त्म कर सकती। सो प्लीज़ अगर आपके रिश्ते आपके पास हैं उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि वो तन्हा नहीं है। बुढ़ापा सब पर आता है और जब वो आता है ना तो फिर सिर्फ जीते हैं हम अपने पोते पोतियों को देखकर, अपने नवासे नवासियों को देखकर, एक भरे घर में देखकर, वरना तकलीफ़ें तो बहुत सारी और मिलती हैं सेहत के हिसाब से, लेकिन ये तकलीफ़ बहुत बड़ी तकलीफ है। अब रिश्तों के बारे में मैंने बात इसलिए शुरू की कि आज हमारे शो पे आपकी मुलाकात मुख्तलिफ रिश्तों से होगी। देखिए आपकी ज़िंदगी में एक पज़ल की तरह सारे रिश्ते जुड़े होते हैं आपस में, और ज़रा सा भी कोई इधर उधर से हिलता है ना तो पूरी ज़िंदगी हिल जाती है। आपकी बीवी का अलग मकाम है, आपकी माँ का अलग मकाम है, आपके बच्चों के बगैर आप रह नहीं सकते, बहनें आपकी ऐसी हैं जैसे माँ ने माला में पिरोए होते हैं बच्चे, उस तरह बहनें भाई ये सब इस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक को चोट लगती है लेकिन तकलीफ उन सबको होती है, ये खून की अट्रैक्शन है, ये खून के रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से आपके नसीब में बनते हैं। तो आज ऐसे मिले जुले रिश्ते आप देख सकेंगे हमारे शो पे। एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी हमारी एक्ट्रेस जिनको आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हुए देखते हैं, उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग का इंतखाब किया पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में और अपनी शादी पर खुद ही बहुत इंजॉय की। सो मरियम नफीस आज अपने हस्बैंड और अपनी अम्मी के साथ यही मिले जुले रिश्ते, एक अल्लाह की तरफ से और दूसरा जैसे एक साथ जोड़ी बांध दी गई हो। और दूसरी तरफ हमारे बहुत ही प्यारे सलमान अहमद बड़े दिनों बाद आपको नजर आएंगे अपने बेटे के साथ। सो ये जो रिश्ते हैं ना, ओहो हो, इनके साथ आप आज का शो एंजॉय करेंगे और मैं हूँ थोड़ी सी आज आप दीदा अम्मी याद आ रही हैं, लेकिन चलें किसी और की अम्मी से, किसी और के अब्बू से मिल लेते हैं। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।